नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश और मैं हूं आपके साथ आरजू दुबे। अखिलेश यादव एमएलसी में मिली हार को पचा नहीं पा रहे हैं। यूपी विधान परिषद में दो सीट पर एमएलसी चुनाव में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी कीर्ति कौल का नामांकन खारिज हो गया था, जिसके बाद बीजेपी के दो प्रत्याशी चुनाव जीत गए थे। इसको लेकर यादव जी ने अपनी सफाई पेश कर रही है, क्या कुछ कहा आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने नामांकन रक्त होने को लेकर इसका खुलासा किया है कि आखिर क्यों कीर्ति कौल का पर्चा रक्त हुआ था। अखिलेश यादव ने कहा कि वह चुनाव जीत रही थी और बीजेपी के विधायक क्रॉस वोटिंग करने को तैयार थे। अखिलेश यादव से कीर्ति कौल का नामांकन रक्त होने को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि हम स्वीकार करते हैं कि उनका नामांकन रक्त हुआ, ये हमारे कार्यकाल की गलती है। असल में दो सीटों पर हुए चुनाव में बीजेपी के दो प्रत्याशियों ने जीत दर्ज की थी। हालांकि जीत के गणित के मुताबिक सपा के पास जरूरी आंकड़ा नहीं था, लेकिन उसके बावजूद भी सपा ने अपना प्रत्याशी मैदान में उतारा। सपा विधायक रविदास मनोत्रा ने कहा कि पर्चा कैसे रक्त हुआ, इसको लेकर अखिलेश यादव इस बात की जानकारी ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि कीर्ति कौल चुनाव जीत रही थी और बीजेपी के कई विधायक क्रॉस वोटिंग करने जा रहे थे। परिषद के चुनाव में बीजेपी की जीत के बाद पार्टी की तरफ से डिप्टी सीएम बृजेश पाठक और सुभाषपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश यादव पर निशाना साधा है और उनको कटघरे में खड़ा किया है। आखिर सपा के विधायकों से इतनी बड़ी गलती कैसे हो सकती है कि उन्हें कीर्ति कौल की उम्र की जानकारी ही नहीं है। सपा के नेता इस बात को दबाने की बजाय इस बात को खूब हवा दे रहे हैं। आखिर इसके पीछे उनकी क्या रणनीति हो सकती है, ये आने वाला टाइम ही बताएगा। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। जुड़े रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश के साथ। नमस्कार। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूँ। मैं लोगों के बीच रहता हूँ, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूँ। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूँ। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूँ। ना कोई दौड़ ना कोई रेस। कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश।